हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल पूनम स्टिचिंग। आज हम बताएंगे स्कूल यूनिफॉर्म कॉलर वाला कुर्ता, जिसमें गले की चौड़ाई है 4 इंची और लंबाई भी ली है मैंने 4 इंची। ये आगे का हिस्सा है, आगे में मैंने इतना लिया है। इसमें 1 इंची की गोलाई लगाकर मैं गोल गला बनाऊंगी, देखिए। और इसकी जो गला है, उसके बाद 8 इंची मैंने पट्टी के लिए कपड़ा काटा है। मैं आगे पट्टी लगाऊंगी काज बटन वाली, देखिए। ऐसे कटिंग करिए इस प्रकार। जिसमें मैंने मुड्डे लिए हैं 8 इंची के और आरमोल लिया है मैंने 7 इंची का, और 1/2 इंची की मैंने इसमें आगे के गड्ढों की कटिंग करी है। कॉलर वाले में थोड़ा अंदर की साइड कटिंग करते हैं, जिससे कि झोल सी इकट्ठी ना हो। ये आगे का पार्ट था, अब पीछे का पार्ट लेंगे। जिसमें मैंने चौड़ाई तो 4 इंची की ही ली है, लेकिन लंबाई 1 इंची की ली है। कॉलर वाले में आप 1 या 1.5 इंची की लंबाई लीजिए, इससे ज़्यादा लंबाई की जरूरत नहीं है। ये कॉलर वाला कुर्ता जो है मेरा, खड़ा वाला कॉलर वाला कुर्ता नहीं है, ये थोड़ा गर्दन तक नीचे जो आता है वो वाला कॉलर वाला कुर्ता है। आप अगर खड़े वाले कॉलर कुर्ता को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2x2 ही काटिए आगे का गला, और ये मैंने 4x4 का काटा है, तो इसलिए मेरा बिछा हुआ आएगा थोड़ा। ये मैंने आगे की पट्टियाँ काटी हैं, जो कि 8 इंची था ना, तो लेकिन ये मैंने 9-9 इंची काटी हैं, थोड़ी 1-1 इंची बड़ी। देखिए, ये 8 इंची की बुकरम वाली पट्टी काटूंगी, और जो दूसरी वाली पट्टी है जो ऊपर रखूंगी वो मैं थोड़ी बड़ी काटूंगी, और उसमें एक शेप दूंगी तिकोनी वाली जो कि ऊपर आएगी, इसी वाली पट्टी में तिकोनी वाली शेप देकर जो कि ऊपर पट्टी लूंगी मैं। अच्छी फिनिशिंग आती है, जिससे एक अच्छा लुक आता है कॉलर वाले कुर्ते में। इसमें मैं सिलाई चलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी बुकरम प्रेस वाली नहीं है, मैं प्रेस से नहीं चिपका पाऊंगी। अगर आपकी प्रेस वाली बुकरम है तो आपको सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं दोनों पट्टी में इस प्रकार सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी पट्टियों पर, देखिए इस प्रकार। ये देखिए, मैं कुर्ते में लगा रही हूँ एक पट्टी, ये नीचे वाली पट्टी लगा रही हूँ मैं पहले, देखिए। देखिए, मैंने नीचे वाली पट्टी में इस प्रकार सिलाई लगाई है, देखिए। और यहाँ ऊपर लगाऊंगी, लेकिन मैं जो मार्जिन है उसे काटूंगी और अंदर भी दबाऊंगी, उसके बाद पट्टी लगाऊंगी। आप चाहें तो अंदर से पट्टी ला सकते हैं, और चाहें तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार पट्टी लगाइए आप अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए पट्टी लग गई है, दूसरी पट्टी लेंगे। ये ऊपर वाली पट्टी है, इसे पलटकर ऊपर की साइड लगाएंगे, देखिए इस प्रकार। इस प्रकार सिलाई लगाएंगे, देखिए, यहीं को धागे को डबल कर तोड़ देंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए इस प्रकार, इसको दूसरी साइड को कच्ची सिलाई लगाई है ये मैंने, दूसरी साइड पर थोड़ा अंदर की साइड लगाई है, देखिए इस प्रकार। अब इस प्रकार इसे पलट देंगे और पिन से अटैच कर लेंगे, देखिए। देखिए, अच्छे से दोनों हाथों से संभाल कर सिलाई लगाएंगे, और कोने को भी अच्छे से सिलाई लगाएंगे,
कोना बनाकर देखिए इस प्रकार। अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करिए, मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आऊँगी। ये देखिए मुड्डे हैं जो मैंने सिलाई लगा रही हूँ, इन पर मैं डबल बार सिलाई लगाऊंगी ताकि उधड़े ना, दोनों ऐसे ही करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए मैं अपना कॉलर नाप रही हूँ कितना है, आप ऐसे ही कॉलर नापिए, आपका कॉलर कभी छोटा नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा 19.5 आया है कॉलर, अब ये भी 19.5 ही रखना है मुझे। देखिए इस प्रकार नापेंगे, देखिए अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब कपड़े को मोड़कर एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कॉलर वाले कुर्ते की पूरी कटिंग बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो। देखिए मैंने कॉलर पर सिलाई लगाई है, देखिए ऐसे। ये देखिए बुकरम वाला पार्ट जो है ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा जो बचा है 1/2 इंची का, इसे भी ऊपर दबाएंगे बुकरम के ऊपर, देखिए ऐसे गोलाई पर कट देंगे। देखिए अब इसे पलटेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैं अभी कच्ची लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी मैं कॉलर कंप्लीट होने के बाद पक्की सिलाई। देखिए देखिए जो बुकरम वाला हिस्सा जो होता है कॉलर पर, जिस पर हम बुकरम रहती है कच्ची सिलाई जो लगाई थी, वो वाला हिस्सा जो है हम कुर्ते पर सीधी साइड लेते हैं। जब हम कुर्ते पर कॉलर लगाते हैं तो उसे पलटकर हमेशा सीधी साइड ही पलटते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, इससे फिनिशिंग आती है। ये देखिए कुर्ता मेरा सीधी साइड का है, और देखिए इस तरह पलटेगा तो ये सीधी साइड ही आएगा कॉलर। आप कॉलर को खींचे ना बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे, ना ही कोई झोल पड़ेगी, अच्छे से आएंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत कपड़ा है, उसे दबाते हुए अंगूठे से अंदर करिए और इसके बाद की सिलाई लगाइए, इन पे कोने से स्टार्ट करिए। देखिए इस प्रकार सिलाई लगानी है। देखिए हमारा कॉलर वाला कुर्ता अब तैयार है।